नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे नैनीताल की खबर के साथ। नैनीताल के नारायण नगर में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। यहां रविवार रात बादल फटने की घटना हुई जिसमें भारी तबाही हुई है। आलम यह है कि ग्रामीणों का घर खेती कुछ भी नहीं बचा, हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। खबर मिलने के बाद प्रशासन ने नारायण नगर क्षेत्र का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। नगरपालिका के ईओ के मुताबिक प्रभावितों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा और प्रभावितों की सूची तैयार की जा रही है। उधर प्रभावितों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। रविवार को हुई बारिश से नैनीताल में नाले उफान पर थे और जिससे नैनीताल के माल रोड में करीब 600 टन मलबा जमा हो गया था। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं जी संगम पर, किस तरीके से बादल फटने के बाद यहां पर तबाही का मंजर देखा जा रहा है। कुछ नहीं बचा, पाँव के चप्पल भी नहीं बचा, राशन भी नहीं बचा, मुर्गी पाले थे वो भी नहीं बचा, सब्जी लगाए थे वो भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा हमारे पास। ना ओढ़ने के ना पहनने के कपड़े भी नहीं, हमारे शरीर में गीले ही कपड़े पहने हैं, परसों से हमने गीले ही कपड़े हैं। सबसे ज्यादा तो ये है कि जगह जगह से अंदर पानी घुस रहा है, मलबा घुस चुका है, मगर जान हानि का तो नुकसान नहीं हुआ है, मगर मलबा वगैरह सबसे अंदर घुस चुका है। बड़ी मुश्किल से सब लोगों को जानना चाहिए और जाना सर ये है कि हमें थोड़ा अच्छी तरह से मतलब ढंग से सही जगह कहीं सेफ्टी दें या हमारी तरफ से कुछ करें, हमारे लिए कुछ करें। जिला प्रशासन ने निर्णय लिया था कि यहाँ के ऐसे डेंजर जोन में जो हमारे मकान जो पानी की धारा के किनारे हैं, नाले के किनारे हैं, उन लोगों को केएनबीएन का टीआरसी है यहाँ सूखा ताल में, वहाँ शिफ्ट करने के लिए निर्देश तहसील प्रशासन को दिए गए थे। उनके द्वारा सूची बना करके कुछ स्थापित करने की कार्रवाई भी की गई है। और इसी खबर पर अच्छी तरह बातचीत के लिए जी मीडिया संवाददाता इस वक्त राजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, ये बताइए कि प्रशासन की तरफ से जो लगातार दौरे वहां पर किए जा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर काम चल रहा है और क्या कुछ स्थिति इस वक्त वहां पर देखी जा रही है? जी देखिए, आपको बता दूं, रविवार की रात को यहां तेज बारिश हुई और उसके बाद से इस गांव में बादल फट गया और गांव के बीच में जो बहने वाला नाला था वो पूरी तरीके से हिस्सों में गांव बट गया और उसका मंजर ये रहा कि गांव के जो लोग हैं उनके घरों का राशन, बर्तन एवं कपड़े सब बह के नदी में समा गए और लोगों का जो बिस्तरा था वो पूरी तरह से भीग चुका है और लोगों के घरों में मलबा पूरी तरीके से इकट्ठा हो गया है। आनंद फानंद बिल्कुल राजू, मैं लौटूंगी आपके साथ। और इस वक्त हमारे साथ नैनीताल के जो डीएम है दीपक रावत जी जुड़ गए हैं। दीपक जी, ये बताइए कि नारायण नगर क्षेत्र में जो बादल फटा है उसके बाद कितनी तबाही बताई जा रही है वहां? देखिए, पहली बात तो ये कि बादल नहीं फटा है जी, वहाँ पे बारिश ज्यादा हुई है जी। और उस दिन आपका 5 से लेकर 7 के बीच में लगभग 300 mm बारिश हो गई थी जी, और इसमें लगभग 20 घर ऐसे हैं जिसमें कि पहाड़ी से आने वाला मलबा अंदर घुस गया है जी। हालांकि इसमें पूरी तरीके से कोई भी मकान ध्वस्त नहीं हुआ है, केवल अंदर कीचड़ चला गया। इसमें जो लोग वहां पर सुरक्षित नहीं थे वो तो या तो अपने रिश्तेदारों के घर चले गए या फिर बाकी लोगों को हमने केएनबीएन के डॉर्मेट्री में रुकवा दिया है जी। और जो इनका मुआवजा बनता है दैवीय आपदा मानकों के तहत उसकी भी लिस्ट बना के उनको मुआवजा दिया जी। बिल्कुल दीपक जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वहां पर अगर बादल नहीं फटा है लेकिन बारिश हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है मॉनसून की, और ऐसे में अगर इस तरीके की स्थितियां रहेंगी तो पर्यटन के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है नैनीताल, तो काफी दिक्कतें पेश आएंगी इससे हर किसी को वहां? देखिए, पर्यटन के लिहाज से सबसे पहले जो हमारी सुरक्षा होती है वो मार्गों की होती है, तो हमारा कोई भी मार्ग बंद नहीं हुआ है, अभी आज की तारीख में भी खुला है और जो भी मार्ग बंद थे वो 1 घंटे में खुल गए थे। ऐसा अक्सर ऐसा हो जाता है कि अप्रत्याशित रूप से ज्यादा बारिश हो गई थी, जनरली इतनी बारिश नहीं हुआ करती है, आगे भी होगी तो उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है जी। बिल्कुल दीपक जी, और ये बताइए कि माल रोड पर भी मलबा जमा हुआ है तो उसको उठाने के लिए प्रशासन किस तरीके से पहल कर रहा है? माल रोड पे जो मलबा आया है उसके लिए 2 JCBs वहां पे निरंतर लगी हुई है जी, और आज भी काफी मलबा हटा लिया गया है। ट्रैफिक तो आपका उसी रात को खोल दिया गया था, 12 बजे लोअर मॉल खुली थी और 4 बजे अपर मॉल खुल गई थी जी। अब जो मलबा साइड में है उसको हटाने में, क्योंकि इसका निस्तारण दूर जाके करना है इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन ये भी अगले 24 घंटे में सारा हटा देगा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी, जी संगम से बातचीत करने के लिए। और राजू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। पहाड़ों पर मौसम का मिजाज इन दिनों बिगड़ा हुआ है जिसका असर आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है और आने वाले दिनों में ये मुसीबत और भी बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बारिश अपने साथ मुसीबत की सौगात लेकर आई है और बारिश के चलते आम जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है।
बात पिथौरागढ़ की करें तो यहां जिला अस्पताल में जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है, जिसे नाराज लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा है। लोगों के मुताबिक अस्पताल में बारिश का पानी भरने से मरीजों और तीमारदारों को भारी परेशानी हो रही है। लोगों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उधर डीएम ने समस्या का समाधान करने का भरोसा जताया है। जैसे ही बारिश आई तो ऐसे ही ऊपर से बहुत ज्यादा स्पीड में पानी आने लगा, तो ऐसे हड़बड़ा गई थी, क्या होगा क्या करें, बाहर कैसे जाएं कैसे जाएं। तो बाहर जाने के लिए कोई कुछ खाने के लिए तो हम लोग जा रहे हैं। जल भराव की स्थिति आई है, उसको तत्काल निर्देश दिए गए कि उसको ठीक करें और उसको जाँच भी करवाएं। वहीं पहाड़ी इलाकों में सड़कें बंद होने से हल्द्वानी मंडी में सब्जी और फल नहीं पहुंच पा रहे। वहीं भारी बारिश ने खेतों में लगी सब्जियों को भी नुकसान पहुंचाया है। तो पूरी सप्लाई बाजार में आ नहीं पा रही और जो बची बची सब्जियां हैं अभी तो उसे बहुत भारी दामों पे बेचा जा रहा है। और इस समय काफी कम मात्रा में मंडी में सब्जी की आवक है। उसका प्रमुख कारण यह है कि एक तो नदी के किनारे पैदा होने वाली सब्जियां वो बारिश के पश्चात बह जाती है और दूसरा अधिक बारिश होने से इससे जो है सब्जियां खेतों में ही सड़ जाती हैं। उधर श्रीनगर में प्रशासन के स्कूल बंद करने के निर्देश देने के बाद भी कई प्राइवेट स्कूल खुले नजर आए। हालांकि सूचना मिलते ही प्रशासन ने स्कूलों को बंद करवाया। एसडीएम ने ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई करने की बात कही है। कहा जा रहा है कि कौन कौन से स्कूल खुले हुए हैं, यदि उन तक सूचना नहीं पहुंची तो ये अलग बात है, सूचित हैं वो उसके बावजूद खोला है तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। वहीं रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अपने उफान पर है और नदी पार करने के लिए लोगों को ट्रॉली का सहारा लेना पड़ रहा है, जबकि यहां पर 2 साल पहले शुरू हुए झूला पुलों के निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। बात हरिद्वार की करें तो यहां के जिलाधिकारी ने लक्सर क्षेत्र का दौरा किया है और अधिकारियों को सचेत रहने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने दावा किया है कि ग्रामीणों की सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। खतरे के निशान के करीब गंगा जी चल रही है तो हमारा प्रयास है कि अगर कुछ बात बिगड़ती है तो ग्रामीण लोग जो हैं पूरे ही अपनी तैयारी रखें। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई है और भूस्खलन बाढ़ जैसी समस्या पहाड़ों पर आम बात हो गई है। ऐसे में उत्तराखंड वासियों को और भी सचेत रहने की जरूरत है। पिथौरागढ़ से कोमल मेहता, हल्द्वानी से विनोद मेहरा, श्रीनगर से कपिल पवार, रुद्रप्रयाग से हरेंद्र नेगी, हरिद्वार से नैदेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहाड़ों पर हो रही बारिश से जहां जनजीवन पर असर पड़ा है वहीं चारधाम यात्रा भी बाधित हो रही है। हालांकि बीते 2 दिनों में करीब 40 यात्रियों ने ऋषिकेश से आगे कूच किया है। ये रिपोर्ट देखिए। चारधाम यात्रा को पुण्य की यात्रा कहा जाता है, लिहाजा भारी बरसात के बीच भी यात्री चारधाम यात्रा पर निकले हुए हैं। हालांकि जगह जगह रास्तों के बाधित होने से तीर्थयात्रियों को मुश्किलें भी पेश आ रही हैं। सुरक्षा की दृष्टि से सबको सुरक्षित रहने की सलाह दी जा रही है, पूरा प्रशासन अलर्ट है, आप सब देख भी रहे हैं इस संबंध में, तो यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी हम लोग अपने स्तर से नहीं छोड़ रहे। अब तक चारधाम यात्रा में कुल 37 यात्री गए हैं। और जैसे बारिश हो रही है उससे कितना फर्क पड़ा? काफी फर्क पड़ गया, अब तो बहुत कम हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे तीर्थयात्रियों को मौसम के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है और उन्हें आगे आने वाली मुश्किलों के बारे में भी बताया जा रहा है। बावजूद इसके बीते 2 दिनों में 40 तीर्थयात्रियों ने चारधाम का रुख किया है। जो भी हम पे मौसम विभाग से आएगी या प्रशासन से आएगी उसको हम यात्रियों को यहाँ पे सूचित करेंगे। एक नोटिस बोर्ड लगा दिया गया उसमें जिसमें 5 धामों का, चारों धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा से संबंधित जानकारी और मौसम की जानकारी दी जाएगी। इधर आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विजय सारस्वत का कहना है कि मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने सभी व्यवस्थाओं के दुरुस्त होने का भी दावा किया। अगर कहीं बीच में यात्रा 2-4 घंटे के लिए बाधित हुई है तो उनका रहने का, प्रॉपर भोजन का, रहने का इंतजाम की व्यवस्था में कर रखी है और तत्काल उसे पूरा किया। हालांकि विजय सारस्वत के दावों के उलट नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने यात्रा मार्गों के खस्ता हाल होने की सूचना मिलने की बात कही है। उनके मुताबिक चारधाम यात्रा मार्ग पर जो कार्य किए गए थे वो एक ही बरसात में बह गए हैं। बहुत अच्छी स्थिति रास्तों की अभी नहीं है, ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमको ये आपदाएं झेलनी पड़ेंगी, परंतु ये और दुर्भाग्य है कि सरकार उतनी तत्परता से काम नहीं कर पा रही है। उधर बारिश के चलते पौड़ी जिले में नयार, खोह, मालन और खुसरो नदी का जलस्तर बढ़ गया है।
वहीं जिले में 60 से ज्यादा मार्ग बाधित पड़े हैं। प्रशासन ने पूरे जिले में एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ में लगातार बारिश होने से यहाँ पर भी नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है। इसमें हम लोगों ने एक तो चेतावनी जो प्रशासन की ओर से वो भी जारी की गई है, इसके अलावा पुलिस की भी रेगुलर गश्त की टीमें लगी हुई हैं। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा में भी बारिश से हालात खराब हो चुके हैं, जिसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं लोगों से सचेत रहने को भी कहा गया है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, पौड़ी से विनोद कांडपाल, उत्तरकाशी से देवेंद्र रावत, पिथौरागढ़ से कोमल मेहता और अल्मोड़ा से देवेंद्र विष्ट के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया। प्रदेश बीजेपी में इन दिनों अध्यक्ष पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। नेता विपक्ष अजय भट्ट ने सोमवार को दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर अजय भट्ट आलाकमान की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। हमारे संवाददाता सोनू सिंह ने अजय भट्ट से खास बातचीत की। भट्ट जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो नेतृत्व परिवर्तन है बीजेपी का, उसको बदले जाने की कवायद फिर से तेज होती नजर आ रही है। आप दिल्ली गए थे, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। हाँ, मैं दिल्ली इसलिए गया था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मेरी मीटिंग फिक्स थी, मुझे समय मिला था और यहां की समस्याओं के बारे में और आपदा में जो सारा घालमेल हुआ है उसकी सारी रिपोर्ट मैंने उनको प्रस्तुत करी, अपनी बात रखी और अपने प्रदेश के हित की बातें रखी हैं। जो चीजों की हमको आवश्यकता है उसके बारे में हमने बात करी है। जो सियासत के जानकार हैं वो आपकी इस मुलाकात को प्रदेश अध्यक्ष का पद दिए जाने से लेकर के जोड़ रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, कहीं पर भी बात नहीं हुई है। मैंने सिर्फ उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया और संगठन और तेज धार देके काम कैसे करेगा उसके बारे में मैंने अवगत कराया। भट्ट जी, पार्टी कार्यकर्ताओं का एक बड़ा संख्या बल और कुछ प्रदेश की जनमानस भी ये बात कह रहा है कि नेता प्रतिपक्ष जो इस वक्त उत्तराखंड के हैं अजय भट्ट जी, उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी जाए, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के बतौर भी मुझे लगता है कि अपने काम पर और पब्लिक से भी जो कमेंट आते हैं संतुष्टि व्यक्त होती है, इसलिए मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं। बाकी कार्यकर्ताओं की जो भावनाएं हैं, जो जिसने भी जो कहा उसका सम्मान किया जाता है, सम्मान करने योग्य बात है। पार्टी हाईकमान से एक सर्वे करवाया गया था, उस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर आप पार्टी कार्यकर्ताओं की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पहली पसंद बने हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मुझे कोई सर्वे की जानकारी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने सुना नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट जी को, जिन्होंने स्वयं को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर भले ही अपने पत्ते ना खोले हों, लेकिन एक बात तो साफ है कि उत्तराखंड बीजेपी में नए अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर सियासत एक बार फिर से शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में पार्टी हाईकमान आखिरकार क्या निर्णय लेता है। अपने सभी कैमरामैन गोविंद के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया, देहरादून। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगली खबर की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने ऋषिकेश एम्स का दौरा किया और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को विश्व स्तरीय बनाने के लिए प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में ऋषिकेश एम्स की घोषणा हुई थी और तब से लंबा वक्त बीत चुका है और अब तक ऋषिकेश एम्स को संसाधनों की दरकार है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के दौरे से लोगों को ऋषिकेश एम्स के साधन संपन्न होने की उम्मीद जगी है। यह सरकार समयबद्ध तरीके से सभी एम्स का रिव्यू मीटिंग ले रही है और हमने स्पेशली इसके लिए अधिकारी लगाए हैं ताकि कोई दिक्कत आ सके तो हम उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर सॉर्ट आउट कर सकें। देहरादून में निजी टैक्सी चालकों ने हड़ताल पर बैठे दून टैक्सी यूनियन पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। निजी टैक्सी चालकों के मुताबिक दून टैक्सी यूनियन रेलवे स्टेशन के बाहर सवारी नहीं लेने देते थे और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की जाती है।
उन्होंने मांग की है कि हड़ताल के कारण निजी टैक्सी चालकों को परेशान न किया जाए। उधर हड़ताल पर बैठे दून टैक्सी यूनियन ने आरोप लगाया है कि निजी टैक्सी चालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं, लिहाजा यात्रियों को रोडवेज का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले 8 दिनों से रेलवे स्टेशन के बाहर टैक्सी यूनियन की हड़ताल जारी है। दरअसल रेलवे विभाग ने रेलवे स्टेशन के बाहर स्टैंड हटाने के लिए नोटिस जारी किया है, जिसे लेकर टैक्सी यूनियन का विरोध जारी है। रेल प्रशासन